नमस्कार स्वागत है आपका इस चैनल पर ग्रामीण डाक सेवक से मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभागीय परीक्षा में वो परीक्षा के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल में बहुत सारे ऐसे कॉन्टेंट है जो कि विभागीय परीक्षा की, की तैयारी कराते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर विच एन इंश्योर्ड आर्टिकल कंटेनिंग अदर देन करेंसी नोट्स बुकड इन डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस आपने मैक्सिमम लिमिट बतानी है किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल की जो कि डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस से बुक कराया जाता है उसमें जो है करेंसी नोट के अतिरिक्त कुछ और बुक किया जाता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एक लाख एक लाख रुपये तक जो है इंश्योर्ड आर्टिकल बुक किए जा सकते हैं जो डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस से क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर दो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए बीपी आर्टिकल बुकड इन ए डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस जो बीपी आर्टिकल है उसके जो मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में बुक करने की वो कितनी होती है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाँच हज़ार पाँच हजार रुपये तक का बीपी आर्टिकल आप बुक कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस से क्वेश्चन नंबर तीन करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ ए बुक पोस्ट कंटेनिंग पेरिकल्स मतलब मैक्सिमम वेट बताना आपने किसी बुक पोस्ट का जिसमें कि पीरियडिकल्स होते हैं तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाँच किलोग्राम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर चार व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर वेच एन इंश्योर्ड आर्टिकल बुकड इन ए ब्रांच पोस्ट ऑफिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में अगर आप इंश्योर्ड आर्टिकल बुक करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है छः सौ रुपये आप छः सौ रुपये तक का इंश्योर्ड आर्टिकल बुक कर सकते हैं किसी भी शाखा डाकघर में अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच पोस्ट कार्ड विद पोस्टेज प्रीपेड ट्वेंटी फाइव पैसे इज चार्ज ऑन डिलीवरी एज फॉलो जो पोस्ट कार्ड होते हैं जिसमें कि प्रीपेड है पच्चीस पैसे के जो वो पोस्टेज हैं प्रीपेड हैं वो डिलीवरी पर कितने लिए जाएंगे तो दोस्तों डिलीवरी पर एक रुपए का जो है चार्ज लगेगा अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर छः वट इज़ द पोस्टेज रिक्वायर्ड फॉर बुक पैकेट कंटेनिंग टेन मैरिज इनविटेशन कार्ड वेइंग वन एटी ग्राम्स तो दोस्तों इसका सही उत्तर है तेरह रुपये मतलब तेरह रुपये लगेंगे पोस्टेज बुक पैकेट कंटेनिंग टेन मैरिज इनविटेशन कार्ड जिसके कि वेट वन एटी ग्राम्स है क्वेश्चन नंबर सात करते हैं दोस्तों व्हाट इज द टोटल पोस्टेज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू पेबल लेटर वेइंग वन हंड्रेड ग्राम्स एंड बीपी फॉर फोर हंड्रेड रुपीज़ टू मुंबई जी पी ओ दोस्तों आपने एक पोस्टेज बतानी है किसी भी वैल्यू पेबल लेटर के लिए जिसमें कि सौ ग्राम का जो है वजन है और वी पी चार सौ रुपए की की गई है जी पी ओ मुंबई के लिए तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फोर्टी सेवन रुपीज़ जो फोर्टी सेवन रुपीज़ की पोस्टेज लगेगी क्वेश्चन नंबर आठ करते हैं वट इज़ द मैक्सीम वेट ऑफ ए लेटर तो दोस्तों सबको पता है वेट ऑफ ए लेटर होता है टू के जी क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ ए बुक पैकेट तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाँच किलोग्राम क्वेश्चन नंबर दस करते हैं व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर पोस्टिंग ऑफ इन लैंड अनरजिस्टर्ड पार्सल तो दोस्तों इसका उत्तर है इट शुड बी हैंडेड ओवर अक्रॉस द काउंटर मतलब जो है प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग इन लैंड अनरजिस्टर्ड पार्सल मतलब आपने कोई अनरजिस्टर्ड पार्सल जो है इन लैंड अनरजिस्टर्ड पार्सल आपने पोस्ट करना है तो किसके थ्रू करेंगे तो दोस्तों आपको काउंटर पे उसको छोड़ना होगा क्वेश्चन नंबर एलेवन करते हैं नेम द मीटर्स अवेलेबल इन फ्रेंकिंग मशीन तो दोस्तों आपने मीटर का नाम बताने जो कि फ्रेंकिंग मशीन में अवेलेबल होते हैं तो उसका उत्तर है दोस्तों असेंडिंग मीटर एंड डिसेंडिंग मीटर आरोही मीटर और अवरोही मीटर जो है फ्रैंकिंग मशीन में होते हैं। दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बारह व्हाट इज पोस्टेज रिक्वायर्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पेपर 50 ग्राम बाय एयर आपने बताना है एक कि पोस्टेज किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए जो कि 50 ग्राम का भार वाला होता है और उसको वाई मार्ग से भेजा जाता है तो दोस्तों इसका उत्तर है ट्वेंटी पैसे एंड एयर सरचार्ज ऑफ दो दोस्तों पच्ची पैसे का जो पोस्टेज लगेगा और जो है दो रुपये का एयर सरचार्ज लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर तेरह करते हैं दोस्तों वेन ए रेमिटेंस इज मेड टू ए एसओ थ्रू ए स्पेशल कैरियर इन विच डॉक्यूमेंट ए रिमार्क शुड बी रिटर्न फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एस पी एम एज टू हाउ मनी सेंड तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इन एसओ स्लिप क्वेश्चन नंबर चौदह करते हैं वो विल प्रिपेयर एसो स्लिप एट एच ओ तो दोस्तों इसका उत्तर है सब अकाउंट पी ए क्वेश्चन नंबर पंद्रह है व्हाट इज़ द रिडायरेक्शन फ़ी फॉर एन इन लैंड रजिस्टर्ड पार्सल तो दोस्तों सही उत्तर है पचास प्रतिशत ऑफ इनिशियल पोस्टेज क्वेश्चन नंबर सोलह करते हैं व्हाट इज़ द इंश्योरेंस फी फॉर एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर आर एस टू हंड्रेड तो दोस्तों इसका उत्तर है दस रुपये क्वेश्चन नंबर सतारह करते हैं दोस्तों व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टू विच ए वीपी लेटर कैन बी बुकड तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाँच हज़ार रुपये क्वेश्चन नंबर अठारह करते हैं बीपी चार्जेस टू बी कैलकुलेटेड ऑन द लेटर बीपी फॉर रुपीज़ ट्वेंटी तो दोस्तों इसका उत्तर है दो रुपये क्वेश्चन नंबर उन्नीस करते हैं बीपी चार्जेस ऑन लेटर बीपी फॉर रुपीज़ वन हंड्रेड तो दोस्तों इसका उत्तर है पाँच रुपये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करते हैं विच डॉक्यूमेंट विल बी यूज प्रिपेयरिंग इंश्योर्ड श्योर्ड वंडल तो दोस्तों इसका उत्तर है रजिस्टर्ड लिस्ट क्वेश्चन नंबर इक्कीस करते हैं वट इज द कमीशन फॉर सेल ऑफ ए पोस्टल ऑर्डर डिनोमिनेशन ऑफ आर एस हंड्रेड तो दोस्तों इसका उत्तर है टेन रुपीज क्वेश्चन नंबर बाईस करते हैं वॉट इज द फी फॉर इशू ऑफ पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड तो दोस्तों इसका उत्तर है नौ रुपये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर एन ऑर्डिनरी पार्सल तो दोस्तों इसका उत्तर है फोर के जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन विच लिस्ट हाई वैल्यू मनी ऑर्डर आर इन व्हेन रिसीव्ड फॉर पेमेंट तो दोस्तों इसका उत्तर है एम ओ सेवेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वू विल इशू लाइसेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंकिंग मशीन तो दोस्तों इसका उत्तर है डिविजनल सुपरिटेंडेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वट इज़ द फी फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल तो दोस्तों इसका उत्तर है सिक्स रुपीज़ पर आर्टिकल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन वट इज़ द फी फॉर एक्नोलेजमेंट फॉर ए रजिस्टर्ड आर्टिकल तो दोस्तों इसका उत्तर है तीन रुपये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेन इज द लाइसेंस ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विस रिन्यूड एवरी ईयर तो दोस्तों इसका उत्तर है मार्च क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पर्सन डिजायरस ऑफ अवेलिंग ऑफ द फैसिलिटी ऑफ अ बिजनेस रिप्लाई सर्विस शुड टेक आउट ए परमिट फ्रॉम फॉलोइंग अथॉरिटी तो दोस्तों इसका उत्तर है हेड ऑफ़ अ डिविजन क्वेश्चन नंबर थर्टी व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन फी फॉर लेटर वेइंग वी ग्राम्स टू बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट तो दोस्तों इसका उत्तर है सतारह रुपये दोस्तों इस वीडियो में हमने तीस क्वेश्चन ही किए अगर आपको सौ क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल जिसमें कि पूरे के पूरे सौ क्वेश्चन अवेलेबल हैं आंसर के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको कैसी लगी है वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो में फिर से आएंगे तब तक के लिए नमस्कार